विजय वर्मा ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती संघर्ष को डिकोड किया। फिल्म गली बॉय में मोइन के रूप में लोकप्रिय हुए अभिनेता विजय वर्मा ने बॉलीवुड में सफलता पाने में उन्हें इतना समय लगने को लेकर खुलासा किया है। अभिनेता साल 2012 से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। विजय ने अपने अभिनय की शुरुआत 2012 में चटगांव से की थी, फिर उन्हें रंगरेंज, मॉनसून शूटआउट, राग देश और मंटो जैसी फिल्मों में देखा गया। साल 2019 में रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म गली बॉय में काम करने के बाद उन्हें लोकप्रियता मिली। वह गली बॉय की सफलता को पूरी जीत के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस बारे में INS से कहा, मुझे लगता है कि यह एक उद्यम की सफलता है। गली बॉय एक शानदार सफलता बन गई और यह पॉप कल्चर का भी हिस्सा बन गई, इसलिए मुझे लगता है कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। अभिनेता का कहना है कि उन्हें अभी भी नहीं पता है कि इन सभी सालों में क्या कमी हुई जो उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने आगे कहा, मूल रूप से मैं उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा था जो गली बॉय की सफलता को छू भी नहीं सकती थी, शायद बस यही अंतर था। साथ ही मैं एक अभिनेता के रूप में लगातार विकसित हो रहा था। मैं उम्र बढ़ने के साथ साथ कलाकार के रूप में भी विकसित हो रहा था। विजय वर्तमान में वेब सीरीज मिर्जापुर के दूसरे सीजन में नजर आ रहे हैं। लोकप्रिय शो का हिस्सा होने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, यह आश्चर्यजनक, बिल्कुल धमाकेदार लगता है। मैं यह व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं अभी कितना रोमांचित और उत्साहित हूँ, यह जानते हुए कि शो का फंक्शनल दूसरे स्तर का है और यह उम्मीद से अधिक है। ट्रेलर को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। न्यूज़ स्रोत INS।